यहाँ पे सामने होता है सनसेट, और यहाँ का अभी आप जो दिन का शॉट देख रहे हो तो इसी शॉट को मैं अभी नाइट का शॉट दिखाता हूँ कैसे। तो कुछ इस तरह यहाँ का नाइट का शॉट होता है, पूरा आपको लगेगा कि लाइक कोई ऊपर से लाइट्स लगाई है, अलग ही व्यू है। और आपको यहाँ पे बोटिंग भी करने मिलेगी, तो बोटिंग की मैं आपको आगे शॉट दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो बॉनफायर होता है उसके भी मैं आपको इसके अंदर फुटेज ऐड कर दूंगा। और एक बड़ा सा पैसेज है जिससे आप बाहर हैंग आउट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो। और ये देखिए रूम कुछ इस तरह है, वार्डरोब है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है। सो अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आप लाइक 6 लोग हो तो भी आप यहाँ पे 3-3 एडजस्ट कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नेचर राइट। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। तो बेसिकली मैं आया हूँ महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर से कुछ 30 किलोमीटर के नीचे है तापोला। तो आपको मैप में आपको डालना है तापोला और उसके बाद फिर आप इस लोकेशन पे आ सकते हो। तो आज मैं जहाँ पे आया वो है मांगल्या एग्रो टूर्स एंड कॉटेजेस। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है जो है कायाकिंग, कैंप फायर, बारबेक्यू, फिर इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, ट्रेकिंग है, वाटर स्पोर्ट है, स्ट्रॉबेरी फार्म विजिट्स है। और बाकी मैं आपको ना इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा आगे। तो यहाँ से ना आपको ये है इनका गेट, गेट के अंदर से आपको एंट्री करने के बाद क्या क्या देखने मिलेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर गार्डनिंग की है, यहाँ पे सब यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए। और अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्किंग लॉट, मतलब यहाँ से आपकी कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, बसेस हो, वो भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो देखिए पार्क किए वैसे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाइक्स भी पार्क हो सकती है वहाँ पे। और इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे आप ना लाइक क्रिकेट भी खेल सकते हो। तो अगर यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो। पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आपको ना कुछ यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से उतरने के बाद सामने आपको मिलेगा बुकिंग ऑफिस और यहाँ पे इनका किचन। और फिर ये है एक सेक्शन जहाँ पे ना शाम के वक्त या फिर ज़्यादा अगर लोग आ गए तो यहाँ पे टेंट भी होते हैं। तो टेंट वाला भी यहाँ पे एक सिस्टम है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसके फुटेजेस। और प्लस यहाँ पे आप एक आउटडोर गेम में ये वाला डार्ट वाला गेम खेल सकते हो। और ये गेम खेलने के बाद कि यहाँ पे आपको क्या क्या है, कायाकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। कायाकिंग का टाइमिंग है 4 PM to 6 PM है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, बारबेक्यू, स्टार्टर, स्नैक्स, मिनरल वाटर आर एक्स्ट्रा चार्जेबल, स्विमिंग एंड बैक वाटर्स इज डेंजरस। सो अगर आपको स्विमिंग भी आती है तो भी आप यहाँ पे आके अपना मतलब जो टैलेंट है वो दिखाना मत, क्योंकि पानी बहुत डेंजरस है। और मैं जो मेन मैंने वही बताऊँ, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना प्रॉपर। कायाकिंग का टाइमिंग होता है यहाँ पे इवनिंग में 4 PM to 6 PM, मॉर्निंग में 7 AM to 9 AM। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ का चेक इन और चेकआउट का जो टाइमिंग है वो आपको बताता हूँ, जो कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो चेक इन होगा 12 बजे दोपहर के 12 बजे और चेकआउट होगा सुबह 10 बजे। तो कुछ यहाँ का इस तरह चेक इन चेकआउट का टाइमिंग है। और यहाँ पे जो लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हॉट वाटर का टाइमिंग यहाँ पे मेंशन किया है, तो वो है लाइक टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का 8 से 9:30 बजे, फिर लंच है 12:30 से 2:30 के बीच में, और डिनर है 8:30 से 10:30 के बीच में, और सुबह जो आपको हॉट वाटर मिलने वाला है वो 6:30 से 9 बजे तक है। तो कुछ इस तरह टाइमिंग है। और ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ का व्यू है। उसके बाद ये यहाँ पे मांगल्या एग्रो टूरिज़्म का यहाँ पे ही है कैंटीन, और कैंटीन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है और काफ़ी बड़ा कैंटीन है। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे कैंटीन, यहाँ पे है वॉश बेसिन, और उसके बाद यहाँ पे पानी का मतलब पीने के लिए पानी। और ये है पूरा इस तरीके से टेबल, जो कि आपका अगर बड़ा ग्रुप हो तो भी आप यहाँ पे आराम से इजीली यहाँ पे साथ में बैठ के खाना खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। छोटा ग्रुप हो या फिर कपल हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो। और कैंटीन के सामने का जो व्यू है वो देखिए, लेक साइड व्यू है, ये है कोयना लेक, और ये पूरा आप देख सकते हो ये जलाशय है, और सामने है पूरा वैली। सो बेसिकली ये तो था यहाँ का कैंटीन का व्यू। तो मैं अभी यहाँ से आपको आगे का व्यू दिखाने वाला हूँ, जो है यहाँ के रूम्स। सो यहाँ के रूम्स कैसे, यहाँ पे कौन से क्या क्या टाइप के रूम्स है, और प्राइस के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सो अगर आप गेट के यहाँ से एंट्री करोगे तो गेट से आने के बाद मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे गेट है, और यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग के यहाँ पे सामने ही है यहाँ पे गार्डन। यहाँ पे आपके बच्चे या फिर आपके लाइक जो जो आपके साथ जो चिल्ड्रंस रहेंगे छोटे बच्चे, उनके लिए खेलने के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी है। उसके बाद पेड़ देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे गार्डन की है,
अभी हम जाएंगे यहाँ के रूम्स को देखने के लिए। सो गाइस प्लेग्राउंड सेक्शन देखने के बाद और बुकिंग ऑफिस देखने के बाद अभी हम जाने वाले यहाँ से नीचे। तो ये देखिए ये एक सेक्शन है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला सेक्शन, ये पूरा एक ना राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में कॉटेजेस है। तो मैं अभी आपको ना राइट साइड का जो कॉटेज है वो उसके बारे में जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 5 रूम है और ये है ग्रुप का लाइक बोल सकते हो रूम, बड़ा रूम है ये। और यहाँ पे ना आपको बाहर एक टेबल मिलेगा, फिर चेयर भी है और एक बड़ा सा पैसेज है जिससे आप बाहर हैंग आउट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो। और ये देखिए रूम कुछ इस तरह है। रूम के अंदर यहाँ पे टीवी है, सामने एक वार्डरोब है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा बेड है। सो अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आप लाइक 6 लोग हो तो भी आप यहाँ पे 3-3 एडजस्ट कर सकते हो, या फिर 2 इधर और फिर 2 मैट्रेस के ऊपर भी सो सकते हो। सो इस रूम के अंदर क्या क्या है ये देख लीजिए, कुछ इस तरह इसको डेकोर किया है। उसके बाद यहाँ का वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए वॉशरूम कुछ इस तरह है, टॉयलेट है, फिर यहाँ पे लाइक आपको शॉवर मिलेगा और फिर ये वॉश बेसिन है और यहाँ पे मिरर है। उसके बाद ये कुछ ये एसी रूम है प्लस, तो एसी रूम का इसका इस रूम का जो चार्जेस है वो मैं आपको बाहर बताता हूँ रूम के बाहर आने के बाद। और ये देखिए यहाँ का सामने का व्यू है जो कि कुछ इस तरह है, सामने लेक है और अंदर से फिर आपको कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने मिलेगा। तो इस रूम की प्राइस की जो बात करेंगे आपको मैं आगे बताता हूँ कि इसके प्राइस कितना है, आपको एक एक रूम कवर करके बताऊँगा। सो आगे भी यहाँ पे रूम्स है और उसके आगे भी है, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। ये पूरा ग्रुप्स के लिए, मतलब जितने भी बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, लाइक आपका जितना बड़ा ग्रुप है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। सो आगे की जो कैटेगरी है वो है कपल रूम, जो कि उसको जो व्यू है कुछ इस तरह व्यू है, देख सकते हो यहाँ पे सामने लेक और यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट की है बैठने के लिए। उसके बाद सो गाइस ये है कपल रूम। सो यहाँ पे है टोटल 4 रूम, उसमें का एक मैं आपको रूम बता रहा हूँ अभी। देखिए अंदर एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे पहले सेम टीवी, एक वार्डरोब, एक ये भी एक एसी रूम है, प्लस आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर देखिए इतना अच्छा बनाया है। और उसके बाद ये है यहाँ का बेड, बेड भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद फिर अंदर आने के बाद आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाता हूँ मैं। तो देखिए कुछ इस तरह है यहाँ का वॉशरूम, सेम टॉयलेट है, उसके बाद फिर यहाँ पे वॉश बेसिन और फिर ये मिरर। सो यहाँ का बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह है पूरा, आपको ये व्यू दिखेगा सामने, रिवर साइड व्यू है। कुछ इस तरह यहाँ का रूम है, ये कपल रूम है। सो इसकी जो प्राइसिंग है मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे वाला एक रूम है वो कैटेगरी कवर करने के बाद। तो चलिए जाते भी आगे वाले रूम के, यहाँ पे कपल रूम शूट करने के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे। ये है सेम लाइक ग्रुप का, एक आप बोल सकते हो छोटा ग्रुप, जहाँ पे आपको ना 4 लोगों की कैपेसिटी वाला रूम मिलने वाला है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस डालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर आप लाइक 4 हो या फिर 5 हो 6 हो तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपको व्यू नहीं मिलेगा इसमें, पर आपको यहाँ पे रूम बड़ा मिलेगा इसका। ये देखिए डेकोर कुछ ऐसा बनाया है और फिर यहाँ पे है लाइक सेम टीवी, यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे वार्डरोब और ये है वॉशरूम। तो कुछ इस तरह यहाँ के रूम्स है। प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको एक एक करके प्राइसिंग बताता हूँ। सो इस रूम की जो प्राइसिंग है वो आपको पर पर्सन 1350 रुपया रहेगी और ये प्राइस है डिपेंड ऑन सीज़न। सो ये जो कपल रूम है इसकी प्राइस है 3500 रुपया और इसका भी वही है डिपेंड ऑन सीज़न, लाइक आप कौन से सीज़न में आ रहे हो उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग रहेगी। तो आने के पहले ज़रूर कॉल कीजिए और बुकिंग कर लीजिए। सो उसके बाद आगे वाला जो रूम है उसकी प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, सेम रहेगा आपको 1350 पर पर्सन, वो भी बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप के लिए आपको प्राइसिंग सेम रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह यहाँ के नज़ारे मिलेंगे।
ड्रोन शॉट आपने ज़रूर देखा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो स्पेशली आके ड्रोन शॉट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ना यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कायाकिंग भी होता है, तो कायाकिंग जाने के लिए मेरे पीछे आप ये जो रूट देख रहे हो, इसी रूट के थ्रू यहाँ से आपको नीचे नीचे आना है और कुछ 2 से 3 मिनट के बाद आप नदी के यहाँ पे पहुँचते हो, तो वहाँ पे होता है कायाकिंग। तो कायाकिंग का टाइमिंग तो मैंने आपको बताया पहले ही, और यहाँ का जो सनसेट होता है, सनराइज़ तो यहाँ पे पहाड़ के पीछे होता है, तो आपको वो देखने के लिए थोड़ा सा देखने नहीं मिलेगा, पर यहाँ का जो सनसेट है काफ़ी बढ़िया होता है। सनसेट की अगर बात करें तो सनसेट ना यहाँ का लाइक आपको ना बाली या फिर इंडिया के बाहर का जो सनसेट होता है उस तरह आपको देखने मिलेगा। और यहाँ का अभी आप जो दिन का शॉट देख रहे हो, तो इसी शॉट को मैं अभी आपको नाइट का शॉट दिखाता हूँ कैसे। तो कुछ इस तरह यहाँ का नाइट का शॉट होता है, पूरा आपको लगेगा कि लाइक कोई ऊपर से लाइट्स लगाई है, अलग ही व्यू है, पर ये जो सनसेट है वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया था। अगर आप यहाँ पे आओगे तो लाइक कॉटेज और एक महाबलेश्वर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ की जो लाइक मैंने जैसे बताया आपको सनसेट एक यहाँ पे ऑसम होता है, और आपको यहाँ पे बोटिंग भी करने मिलेगी, तो बोटिंग की मैं आपको आगे शॉट दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो बॉनफायर होता है उसके भी मैं आपको इसके अंदर फुटेज ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली बॉनफायर में आप ये वीडियो यही तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।